एक अच्छी और सफल शादी के लिए लड़का और लड़की दोनों की उम्र में कितना फर्क होना चाहिए? लड़की की एज प्रोबेबली कम एज्यूम करी जाती है ताकि वो यंग हो, दोनों का जो बैलेंस है वो बना रहे और वो उतना ही अच्छे तरीके से फैमिली को हैंडल कर पाए। बट आजकल ये क्राइटेरिया काम नहीं करते हैं। ऐसा भी साइकोलॉजी स्टडी में पाया गया है कि लड़के अपनी उम्र से बड़ी महिलाओं को जल्दी पसंद कर लेते हैं या लड़कियों को अपनी उम्र से काफी बड़े पुरुष पसंद आते हैं। अगर आप एक्चुअली उम्र से ज्यादा समझदार हो तो आपको ऐसा पार्टनर चूज करना है जो आपसे ज्यादा डोमिनेंट ना हो। और आपको लगता है मैं इनोसेंट हूं, अभी मैं इन चीजों में नहीं हूं, ऐसे में अगर आपको डोमिनेंट फाइनेंशियली अर्निंग फीमेल मिलती है तो डेफिनेटली यू कैन लुक फॉर अ मैरिज लेटर। इसमें फिर क्लैशेस होने के चांसेस नहीं रहते। अगर आप दोनों ही बहुत यंग हो तो फिर थोड़े से क्लैशेस मैरिज के रिलेशनशिप में बढ़ जाते हैं। अदरवाइज ये पूरा ही मैटर आपके लव और अफेक्शन और इंटीमेसी पे है। अगर आप दोनों की बॉन्डिंग मैच करती है, अंडरस्टैंडिंग मैच करती है, फिर शायद वो उम्र की कोई भी सीमा हो या कोई भी एज हो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है।